हेलो एवरीवन, दिस इज एस के चौधरी विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जी हाँ, 26 जनवरी बड़ा ही खुशी का दिन है। आज भारत में एक साथ दो त्यौहार मनाया जा रहा है, एक राष्ट्रीय त्यौहार और एक भारत की सांस्कृतिक त्यौहार। जी हाँ साथियों, यानी कि गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा। आज का दिन वह दिन है जब हमें व्यक्तिगत लक्ष्यों, व्यक्तिगत उपलब्धियों से आगे उठ करके सोचना चाहिए। और भारत उत्सवों का देश है, इसलिए कहा जाता है चाहे वो सांस्कृतिक उत्सव हो या राष्ट्रीय उत्सव हो, भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन आप सभी, इवन मैं भी अपने स्कूल के दिन को याद करता हूँ। जब से होश संभाला तब से देश के गुणगान और 26 जनवरी का महत्व। आज ही के दिन भारत में संविधान लागू हुई थी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी को संचालित करने वाला दुनिया का सफलतम संविधानों में से। साथियों, आज के दिन में मैं समझता हूं कि हमें आज के दिन में कुछ प्रण लेना चाहिए। हम सभी अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में काफी व्यस्त हैं और जो होना भी चाहिए, हमारे अपने जीवन के कुछ टारगेट्स हैं, कुछ गोल हैं, लेकिन इस दौरान हम लोग कहीं ना कहीं अपने समाज को, अपने राष्ट्र के लक्ष्यों को भूल जाते हैं। और अगर हम लोग ऐसा सोचने लगे, हर व्यक्ति अगर ऐसा ही सोचने लगे, तो कहीं ना कहीं भारत हमारा पीछे रह जाएगा। तो ऐसे समय पर हमें लगता है कि हर व्यक्ति को एक प्रयास ऐसा करना चाहिए जो खुद से बाहर निकल के राष्ट्र के प्रति हो। और जब हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करने लगेगा तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में एक समृद्ध और एक महान भारत का निर्माण होगा, जिसकी कल्पना भारत के स्वतंत्रता सेनानी करते थे, जिसकी कल्पना लाखों करोड़ों की संख्या में कुर्बानी देने वाले, देश के लिए प्राण की आहुति देने वाले युवाओं ने, देश के बुजुर्गों ने जो सपने देखे थे, वो साकार हो सकेगा। हमने कहीं सुना था कि जो व्यक्ति अधिक शिक्षित होता है वो अपने अधिकारों के लिए ज्यादा जागरूक हो जाता है, कंपैरिजन टू दी अपने कर्तव्य। तो मुझे मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूं। कहीं ना कहीं मैं भी आज देखता हूं कि हमारे पास डेली के कामकाज के दौरान बहुत कम समय होता है जब मैं खुद से बाहर निकल करके किसी को व्यक्तिगत रूप से, किसी को किसी भी प्रकार से उस तरह से मदद कर सके। तो उस चीज को, तो आज सभी लोग इस बात को प्रण लें कि हमें अपने जीवन में ऐसे सभी अवसरों को पहचानना है जहां पे हम किसी को मदद कर सके, जहां पे हम किसी के जीवन में उत्थान ला सके, अपलिफ्टमेंट ला सके। और अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास कर देगा तो जाहिर सी बात है कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो हमारी यही आप सबसे गुंजाइश होगी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा बोल देना या बहुत बड़े सपने देख लेना, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं करना है। हम सबको अपने अपने कार्यों को 100% करना है। मैं एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज ए विद्यार्थी, स्टूडेंट के तौर पर अपने आप को देखता हूं। मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन जाऊं, आप एक अच्छे विद्यार्थी बन जाओ, एक किसान एक मेहनती किसान हो जाए, एक रिक्शा चालक अच्छा रिक्शा चालक हो जाए। हर व्यक्ति को अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करना है। जब हर व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करने लगेगा तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतर समाज का निर्माण होगा। स्टूडेंट, आपने जापान के बारे में सुना होगा, दुनिया का एक ऐसा देश जो बहुत छोटा देश है और एक ऐसा देश जो बहुत समृद्ध है, चाहे वो आर्थिक रूप से बात किया जाए या सांस्कृतिक तौर पे। तो जापान में क्या है कि लोग सामाजिक रूप से ग्रोथ कर गए वहां पे, और भारत में आज भी हम लोग सामाजिक तौर पे ग्रोथ नहीं किया। हमारी मेंटेलिटी आज भी ऐसी है कि हम अपने अपने घरों को ही मानते कि यही हमारा दुनिया है, और घरों के बाहर जैसे ही निकलते हैं हम अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, लोगों से लड़ाइयां करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें इन सारी चीजों से बाहर आने की आवश्यकता है। और 26 जनवरी के दिन भले नारे थोड़ा कम लग जाए तो लग जाए, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करिए कि अपने अंदर के जो जोश जुनून और जो अच्छी समझ है उसको राष्ट्र के निर्माण में कैसे लगाना है, उस चीज को सुनिश्चित करना होगा सभी को। हम और आप युवा हैं, युवा बदलाव का वाहक होता है, और हमें अपनी जिम्मेवारियों से बचना नहीं होगा। पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत ही उम्मीद से देख रही है, 65% आबादी भारत की युवाओं की आबादी है। तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में हम सभी बदलाव के वाहक बनेंगे और एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। तो यही हमारी शुभकामनाएं होंगी और यही हमारी गुड विशेष है आप सबके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अंत में एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं और सरस्वती पूजा की भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अपना खूब ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।